देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक थोड़ा लास्ट पीरियड में एक करेक्शन था और एक क्वेश्चन 4 का लास्ट पीरियड था। इसमें हमने लिमिट x टेंड टू 0 और 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इनटू लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस sin x एंड होल पावर कितना 1/x। जैसे इसमें आप लिमिट लगाओ तो कितना हो जाएगा log of 2 और जिसमें इसमें लिमिट लगाओ तो 1 टू द पावर आपको कितना मिलेगा इंफिनिटी। तो इसके लिए मैं इसको क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिमिट x t टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0 ये gx आपका इधर आ जाएगा और fx माइनस 1 ये आपका fx है तो 1 माइनस sin x माइनस 1 ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये log of 2 है और e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0 ये आपको मिलेगा माइनस का sin x अपॉन कितना x और जिसमें लिमिट अप्लाई करोगे इसके अंदर तो आपको मिलेगा e टू द पावर कितना माइनस 1 की स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी तो आपको फाइनली आंसर कितना मिला log of 2 अपॉन कितना e। दैट्स योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जेई 2016 से है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है तो इसके लिए मैं इसमें क्वेश्चन में जब भी अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो तो मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर दें। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर मैं जब एक्सपेंशन लगाऊंगा साइन बीटा एक्स का तो बाहर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या नजर आएगा आपको बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 बीटा एक्स होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस अप टू इंफिनिटी और नीचे भी आप एक्सपेंशन लगा दो तो ये आएगा आपका अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है आपका एक्सपेंशन एक्स माइनस। तो यहाँ पे मैंने जहां जहां एक्स होता है वहां पे कितना पुट किया था बीटा एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कितना है बीटा एक्स यह आपका x टू दी पावर में 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इंफिनिटी ये आपको लिमिट 1 दे रखा है। यहां से मैं बीटा x कॉमन ले लूंगा तो यहां मुझे क्या आएगा बीटा x क्यूब नजर आएगा क्लियर है बात। यहां से बीटा x आपका हट जाएगा ये 1 बचेगा यहां पावर 2 बचेगी यहां पावर कितनी 4 एंड सो ऑन। ऐसी जब मैं यहां पे एडजस्टमेंट करूंगा टर्म्स का तो मैं x को इसके साथ ले लेता हूं मान लीजिए ठीक है ना तो यहां पे मुझे क्या नजर आएगा ये अल्फा ऑफ x माइनस x तो अल्फा माइनस 1 इनटू x हो जाएगा और ये जो माइनस था हमारे पास वो किसके लिए था वो दोनों के लिए रहेगा तो माइनस मैं यहां पे लगा देता हूं। अभी आप देखो कि अगर मान लो मैं इस टर्म को कितना कर दूं 0 कर दूं तो यहां x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ x की पावर 3 है तो मुझे लग रहा है कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए अल्फा माइनस 1 को क्या कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो जैसे आप अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे ये टर्म क्या बन जाएगा आपके सामने ये टर्म आपके सामने बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 बीटा x क्यूब 1 माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 बीटा एक्स होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी टोटल के नीचे। यहां से आप एक्स क्यूब कॉमन ले लो माइनस का कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस डॉट 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 अप टू क्या इंफिनिटी और इक्वल टू कितना है 1। ये इससे क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। अब जैसे इसमें थ्रू आउट लिमिट आप लगाओगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ये भी जीरो एंड सारे के सारे टर्म जीरो ये भी टर्म जीरो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे कि लिमिट एक्जिस्ट तो हमारी कर रही है। तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां बीटा दिखेगा और यहां पे आपको 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 दिखेगा इक्वल टू 1 तो ये ऊपर जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि कितना आ गया 1 अपॉन 6 आ गया। तो मुझे फाइंड करना है 6 टाइम्स कितना अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस कितना बीटा तो 6 टाइम्स अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना आया था 1 और बीटा का वैल्यू कितना आया है 1/6 आया तो जब एलसीएम आप लोगे तो ये कितना आएगा 7/6 और 6 आपका चल रहा था तो ये कैंसिल हो गया तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है कि एफ एक्स आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है और डिग्री फोर, और क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो वन और टू है उन पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, मींस ये एक्सट्रीमम वैल्यूज को अटेन कर रहा है इस जगह पे। तो एक्सट्रीमम वैल्यूज को अटेन करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन अपनी एक्सट्रीमम वैल्यूज को अटेन कर रहा है तो मींस उन पॉइंट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है, जीरो हो जाता है। तो जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव कितने पर, वन पर और टू पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मान ले रहा हूं, मैं क्या मान ले रहा हूं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर फोर, बी एक्स टू दी पावर थ्री, सी एक्स टू दी पावर टू एंड डी एक्स प्लस ई। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्लियर है बात। मुझे दे रखा है लिमिट एक्स टेंड टू कितना, जीरो, वन प्लस एफ एक्स एंड अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू कितना है थ्री। तो ये फाइनाइट लिमिट है। देखो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है। ये भी ब्रैकेट जब भी आपको कभी आता है फंक्शन में या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आता है, तो अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गिवन द इंस्ट्रक्शन यू कांट अज्यूम दैट इट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप इसको अपने मन से फ्रैक्शनल पार्ट नहीं कहेंगे और इसको आप अपने मन से कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं कहेंगे जब तक कि आपसे क्वेश्चन में मेंशन न किया जाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन तो नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं इसमें देखूं तो ये 1 पे लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये कितना लिमिट एक्सटेंड टू 0। fx हमारे पास कितना है, ये हमारे पास fx है, तो जैसे ही fx में x स्क्वायर को डिवाइड करोगे यहां कितना मिलने वाला आपको, देखो ax स्क्वायर bx और प्लस कितना c मिल जाएगा, और यहां पे कितना मिलेगा d अपॉन x मिलेगा और e अपॉन कितना मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू कितना है 3 है। इस वन को मैं ट्रांसफर करता हूं यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। ओवरऑल इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है जो कि फाइनाइट है। यहां फाइनाइट वैल्यू मिलेगा लिमिट एक्सटेंड टू 0 से 0 0 0 अगर ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहां पे इनफाइनाइट मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये 0 है और ये भी कितना है 0 है, अगर अज्यूम नहीं करेंगे तो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट देगा। बट आरएचएस तो आपको 2 दे रखी है यानी फाइनाइट वैल्यू दे रखी है, इसके लिए यू हैव टू अज्यूम दिस एज 0। तो आपने जैसे ही इनको 0 मान लिया तो इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करने से ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये आपका 0 मान रहे हैं, मतलब d 0 है मान लो, e 0 है, ये पूरे टर्म 0 नहीं मान रहे आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से c का वैल्यू लिमिट अप्लाई करने से अपन को कितना मिला, 2 मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं फंक्शन में इसमें रखूंगा तो मेरा आ गया ये ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस 2x2। d और e को हमने कितना माना था 0, अगर नहीं मानते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, आप कहेंगे क्यों निकाल रहे हैं, 4x3 3bx2 और ये प्लस कितना 4x, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि fx अटेन्स इट्स एक्सट्रीमम एट नाउ पे 1 पे और 2 पर। तो सिंस fx अटेन्स इट्स एक्सट्रीमम एट 1 एंड 2 तो डेरिवेटिव उन पॉइंटों पे क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो 1 पर ये 0 हो जाएगा और 1 पर 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4a, मतलब 4a plus 3b plus 4 equal to 0 हो गया, क्लियर है बात। और f dash 2 भी 0 हो जाएगा, तो यहां से रखोगे तो कितना हुआ ये 8 फुल 32 32 a plus ये कितना हुआ 4 3 12 12b और प्लस कितना 4 2 जा 8 ये 8 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। यहां से आप इन दोनों क्या कर लो a और b के लिए सॉल्व कर लो इनको, ठीक है ना, ये 10th क्लास का आपका देखा था ये क्या रैखिक समीकरण आ गए a और b में। तो जैसे आप इनको यहां से a को और b को सॉल्व कर लोगे तो a b और c आपका ये है, ये d और e 0 आ गए थे, तो हम क्या बता पाएंगे, हम बता पाएंगे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या था, क्योंकि मुझे बताना है फंक्शन का वैल्यू कितने पर, 2 पर बताना है। तो मैं जैसे ए और बी निकाल लूंगा, सी मेरे पास है तो मैं यहां रख दूंगा, थोड़ा सा वर्क करके देखें तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, और फिर जो पॉलिनोमियल आएगा उसके अंदर हम एक्स की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ये रीमान का क्वेश्चन आपका है, यानी कि इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। जब आप एरिया को एज लिमिट ऑफ सम फाइंड आउट करते हो तो ये हमारा कांसेप्ट किसने दिया था, रीमान ने दिया था,
लिमिट में हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली कहां पे समझ पाते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, सिग्मा आपका r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 2n तक, r अपॉन n, इसमें से मैं स्क्वायर रूट में से n स्क्वायर को जब मैं बाहर लाऊंगा तो मुझे कितना दिखेगा, n दिखेगा बाहर, और 1 प्लस e कितना नजर आएगा, r अपॉन n और होल स्क्वायर। तो ये टोटल r अपॉन n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर के 2 तक, ये 2n तक है तो 2 तक, 3n तक, 3 तक जाते हैं आप, और इसको मिला के क्या हो गया आपका, x हो गया रूट में, ये कितना आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, और इनटू ये कितना हो गया आपका dx। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, इसके लिए हम इसको पुट करेंगे t, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2x dx / dt विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 हो गया, तो यहां से x dx का वैल्यू कितना हो गया, 1 / 2 आ गया। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i बन जाएगा कि इस x dx के प्लेस पे कितना आ गया, 1 / 2 dt, ये dt उधर ले जाओ, और रूट में मेरे पास कितना आ गया, 1 + x स्क्वायर को आपने t माना था, तो रूट t आ गया, और मुझे लिमिट दी भी चाहिए, तो देखो लिमिट क्या है, जो हमने पुट किया था उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट निकालेंगे t का, ये t का फंक्शन आ चुका है। तो देखो x का लिमिट ये मैंने रखा था 1 + x स्क्वायर इक्वल टू कितना, t रखा था, ठीक है ना, और आपको सिंपल करना है तो इसको आप t स्क्वायर मान लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे x dx, मैं थोड़ा सा और इंप्रूव कर देता हूं, तो यहां से x dx / dt 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t, और यहां पे dt आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x dx कितना हो जाएगा, t dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो x dx क्या बन गया, t dt बन गया, और यहां पर रूट में कितना आ रहा है, t स्क्वायर आ गया। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर मान लिया, तो 1 का 0 डिफरेंशिएशन, 2x का एक्स स्क्वायर का 2x, dx / dt इसका कितना हो गया 2t, ये कैंसिल हो गया, x dx कितना हो गया, t dt हो गया, और यहां हमने कितना माना था इसको, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माना था, तो t स्क्वायर को बाहर लाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये कितना बनेगा, t बन जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, तो कितना 1dt आ गया, लेकिन हमको ना लिमिट चाहिए। तो देखो इसमें x की वैल्यू 0 रखो आप, t की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, ठीक है, और जैसे आप इसके अंदर 2 रखोगे तो t का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, √5 मिलेगा। कोई कह सकता है कि प्लस माइनस मिलेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान से देखने की जरूरत ये है कि अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 2 यानी हमारा जो एरिया किधर बाउंड हो रहा है, कहीं ना कहीं इधर हो रहा है बाउंड, ये वाला एरिया अपन को चाहिए, तो नेगेटिव साइड में, इसलिए इनको जाना नहीं है ना। तो t का एक बन का इंटीग्रेशन कितना होता है, t हो जाएगा, और लिमिट 1 से लेकर रूट कहां तक, 5 तक, हमारा आंसर कितना है, √5 माइनस बना के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी हमने इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 2015 एडवांस का है, n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट दे आर नॉट 1, ये 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त कोई नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपसे कह रहा है कि भाई e टू द पावर cos अल्फा की पावर n माइनस e अपॉन अल्फा टू द पावर n, अगर आप इसमें पुट करोगे 0 तो देखो ये cos कितना बनेगा, 0 पुट करोगे तो cos 1 बन जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, e की पावर 1 1, तो e मतलब e माइनस e कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो यहां रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बनना है। तो कई सारे तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, या आप क्या कर दो इसको, या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये पावर n लिखी हुई है, ठीक है ना, या तो आप इसमें क्या लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, ठीक है, लेकिन जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो अल्फा की पावर n माइनस 1 मिलेगा, लेकिन तो आप कब तक ऐसा करते रहेंगे। तो मेरा जो विचार कर रहा है वो ये, इसमें से आप ऊपर से e कॉमन ले लो एक बार, तो जैसे आपने e कॉमन लिया तो अंदर मुझे नजर आएगा e की पावर में cos अल्फा की पावर में n माइनस 1, ठीक है ना, इस पूरे में से मैं माइनस 1 कर रहा हूं, है ना, ध्यान रखना, और यहां पे कितना बचा, 1 बचा, टोटल के नीचे कितना नजर आ रहा है आपको, अल्फा की पावर में कितना n नजर आ रहा है, क्लियर है बात। देखो अब मैं इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूं, अब मैं इसमें ये अप्लाई कर रहा हूं कि cos
अल्फा की पावर में एन माइनस वन और अपॉन कॉस अल्फा की पावर में एन माइनस वन, इतने का मल्टीप्लाई इतने का अपन ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है। कैसे देखो ध्यान से देखिएगा, मैं जब इसमें अप्लाई कर रहा हूँ क्या, जैसे मैं इसमें अल्फा टेंस टू जीरो अप्लाई करूंगा तो ये वन बनेगा, वन माइनस वन ई टू दी पावर जीरो माइनस वन और अपॉन जीरो टाइप का बनेगा ये। तो आपको ध्यान होगा e to the power x minus 1 upon x type का limit x tend to 0 है, तो ये किधर approach करता है 1 की तरफ। तो मैं जैसे इसमें limit x alpha tends to 0 apply करूंगा, alpha tends to 0 apply करूंगा, तो ये value मिलाकर के ये value और ये value मिलाकर के किधर approach करने वाली है, ये दोनों की दोनों value किधर approach कर जाएगी, 1 की तरफ approach कर जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा होगा, मेरे पास बचा e, मेरे पास क्या बचा है, e बचा है। देखो ये cos अल्फा की पावर n, तो क्या मैं अल्फा की पावर को n को ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन को, कि माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा की पावर n अपॉन टू, बताइए कैसे, यानी कि cos 2 थीटा माइनस वन कितना होता है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी थीटा होता है हाफ एंगल में, चेंज कर दिया इसको, और नीचे हमारे पास कितना लिखा हुआ है अल्फा की पावर में एन लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो मुझे यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ रही है, मुझे जरूरत पड़ रही है अल्फा की पावर एन अपॉन टू के होल स्क्वायर की। तो मैं इतने का इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, अल्फा की पावर में कितना, एन अपॉन टू का क्या होल स्क्वायर, ये अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, आर एच एस में तो आपको माइनस की ई अपॉन टू मिल ही रहा है, ये तो आपको चलना नहीं चलाना है, ठीक है। अभी देखो तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की पावर एन अपॉन टू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा की पावर एन अपॉन टू और अल्फा की पावर एन अपॉन टू का होल स्क्वायर, लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो लगाओगे तो साइन थीटा अपॉन थीटा देखिएगा वन बना देगा। तो बचा क्या आपके पास, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फाइनली आपके पास, माइनस का ई बचा एक तो, और वहां से कितना बचा, माइनस का टू ई, माइनस का टू ई बचा, ये बचा, और वहां पे कितना बचा, अल्फा की पावर में 2n, ठीक है, और अपॉन कितना, अपॉन कितना, अल्फा की पावर में कितना 2n अपॉन कितना 4, ये 4 आ जाएगा, और यहां पे अल्फा की पावर में कितना m इक्वल टू कितना, माइनस का e बाई टू। देखो माइनस माइनस कैंसिल, e से e कैंसिल, 2 2 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, अल्फा की पावर में 2n माइनस m इक्वल टू Yes, equal to कितना आ गया, 1 आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ, क्लियर है बात। तो 2n माइनस m का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो 2n equal to m आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना था, m upon n फाइंड करना था, इसको डिवाइड कर दोगे तो m upon n क्या आ जाएगा, 2 upon 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो m upon n का वैल्यू कितना आ गया, 2 upon 1, या आप कह सकते हैं कि 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, देखो हमें बनाना है इसको, कह रहा है देन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, ये क्या है, 0 हो जाए, f ऑफ f का वैल्यू कितना हो जाए, 0। इट मींस है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो हमने f मान रखी है, यानी मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, ये तो मतलब इसका हुआ। अब ध्यान से देखिएगा कि जो भी ये बार मेरे पास वैल्यू है, इसमें जैसे आप इंफिनिटी अप्लाई करोगे, ठीक है ना, tan इनवर्स 2x का जो मेरे पास वैल्यू है, जिसमें आप, इसमें आप जैसे इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो नंबर की पावर में कितना, इंफिनिटी, इस नंबर की पावर में कितना, इंफिनिटी, सही है ना। ये हमारे पास क्या है, ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, ये मुझे 0 लाना है, तो 1 अपॉन ये पूरा इंफिनिटी बन जाए, 0 आ जाए, लेकिन ये तो इंफिनिटी है नहीं, इसका क्या है, ये इंफिनिटी बन जाना चाहिए। इट मींस ये हुआ कि आपका लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, यानी कि 3 अपॉन पाई और कितना, tan इनवर्स 2x और होल पावर कितना, 2n, ये क्या आना चाहिए, इंफिनिटी आना चाहिए, क्लियर है। ये इंफिनिटी कब आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये इंफिनिटी आपका कब आएगा, जब ये क्वांटिटी आपकी 1 से ग्रेटर देन हो, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन की क्वांटिटी, 1 की पावर इंफिनिटी,
इंडिटरमिनेट फॉर्म में जाएगी, इंफिनिटी नहीं आ पाएगा भाई, 1 टू द पावर इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो अगर मुझे इंफिनिटी लाना है तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए, उसकी पावर में जब इंफिनिटी, यहां पे देखो कहीं पे भी n का रोल नहीं है, यहां n का रोल है, तो इसके लिए ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर है होनी चाहिए। इट मींस कि 3 अपॉन पाई tan इनवर्स 2x का वैल्यू मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है बात, यानी कि tan इनवर्स मैं चाहूं तो इसको भी ऐसे लगा सकता हूं, होल पावर कितना n, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं, यानी कि इसका होल पावर 2 का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। यानी कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में आ जाएगा। ध्यान रखिए कभी भी आपके पास वेरिएबल क्वांटिटीज हैं और उनका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आप हमेशा उसको मॉडुलस पर रखेंगे, तो मॉडुलस भी ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये बात ठीक है। अब आप देखो इसको हम यहां पहुंचा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन कितना, मॉडुलस, ये तो क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी पाई बाय 3 हो गया, तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा मॉडुलस को तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि tan इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन पाई बाय 3, ठीक है। या फिर आपको क्या आ रहा है tan इनवर्स 2x इज लेस देन क्या माइनस पाई बाय 3, यानी अगर आपका मोड x ग्रेटर देन a है तो x लेस देन माइनस a या फिर x ग्रेटर देन क्या होता है a होता है। इसको आप जैसे ही इन्वर्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में और यहीं पे इन्वर्ट भी होता है मेन ब्रांच में। और यहां पे कितना आ जाएगा आपका 2x इज लेस देन माइनस का 1 बाय 3 हो जाएगा, यानी कि जो x है आपका वो ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 रूट 3 हो जाएगा, या फिर आपका x यहां से लेस देन माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या बना सकता हूं कि मॉड x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन कितना 2 रूट 3 बना सकता हूं, तो हमारे पास मॉड x क्या रहेगा ग्रेटर देन कितना, मॉड x इज ग्रेटर देन कितना 2 अपॉन 1 अपॉन 2 रूट 3। क्लियर हो गई बात, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि समथिंग x स्क्वायर समथिंग x प्लस दिस इज इक्वल टू 0, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है इन x में। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा का लिमिट निकालना है और क्या निकालना है बीटा का लिमिट फाइंड आउट करके देना है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो अगर यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे देखो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा बताइए। देखो मैं इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेता हूं, है ना, ये भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखो तो इसमें अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कि ये वैल्यू, ठीक है ना, यानी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि रूट में कितना 1 प्लस ए माइनस 1, क्लियर बात, और अपॉन कितना आएगा ये आएगा यानी कि रूट में कितना रूट क्यूब, ये रूट क्यूब लिखा हुआ है 1 प्लस ए माइनस 1, ठीक है ये लिखा हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी कि 6 रूट 1 प्लस ए माइनस 1 और अपॉन में कितना, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका ये, अपॉन में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ किसका 1 प्लस ए माइनस कितना 1, ये बात ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं a टेंस टू 0 आपको, यानी कि हमें दिखना है a टेंस टू 0 प्लस अल्फा और a टेंस टू 0 प्लस बीटा, ये दोनों के दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या बनना है यहां से कि मैं यहां से एक तो क्या कर लूं अल्फा की वैल्यू निकाल लूं और किसकी वैल्यू निकाल लूं यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, अल्फा की और बीटा की वैल्यू हम यहां से क्या कर लें फाइंड आउट कर लें, पहला ऑप्शन तो ये है हमारे पास। और दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो a टेंस टू 0 प्लस बीटा और a टेंस टू 0 प्लस अल्फा, ये आपको पूछा गया है, तो मैं मान लो इसका लिमिट ही निकाल दूं, RHL निकाल दो इसका और इसका भी RHL निकाल दो
और ऑप्शंस भी मिला सकते हैं। एक तरीका तो ये है और एक तरीका आप इसको हल कर लें पूरा का पूरा। तो मैं यहां से आरएचएल इसका निकाल रहा हूं, यानी कि लिमिट कितना a टेंड्स टू 0 प्लस और ये अल्फा बीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 अल्फा ऑफ 0 माइनस h आएगा 0 प्लस h आएगा और बीटा ऑफ कितना आ जाएगा 0 प्लस h आ जाएगा। तो अल्फा में जहां-जहां a जहां जहां a है वहां पे कितना रख देंगे h रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टाइम माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ तो 1 माइनस ये आपको बनेगा 1 प्लस a के स्थान पे h रखना है तो h और होल पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। और सॉरी ये मैंने गलत यहां लिखना है सॉरी, तो यहां पे जैसे अप्लाई करोगे अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस h तो हमें पूरे के पूरे अल्फा और बीटा के अंदर क्या रखना है जहां जहां h है वहां क्या कर देना है x और a है वहां पे क्या कर देना है h रख देना है। तो ऐसे यहां से कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 1 प्लस a होल पावर 1 प्लस h होल पावर कितना आएगा 1/6 माइनस 1 और यहां से कितना आएगा 1 प्लस h और होल पावर 1/3 माइनस कितना 1 आ जाएगा। इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो ऊपर तो ये कितना मिलेगा आपको लिमिट h टेंड टू 0 तो देखो 1 प्लस nx nx प्लस n n माइनस 1 फैक्टोरियल टू h स्क्वायर आ जाएगा प्लस डॉट 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 इनफिनिटी और ये माइनस 1 टोटल के नीचे। यहां से आप देखोगे तो ये भी कितना आएगा 1 प्लस 1/3 इनटू h 1/3 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल कितना 3 और ये कितना h स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये माइनस का 1 ये से कैंसिल हो जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप h कॉमन ले लो यहां से भी आप h कॉमन ले लो वो कैंसिल हो जाएगा तो यहां कितना बचेगा यहां से h कॉमन ले कट गया यहां पे आपको एक पावर मिलेगी यहां पे एक पावर जैसे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे इसके अंदर तो कितना मिलेगा 1/6 अपॉन 1/3 तो जैसे ऊपर ले जाओगे आपको कितना मिलेगा 1/2 यानी कि लिमिट a प्लस 0 प्लस अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है ये मिल रहा है हमको 1/2 कितना 2 ये 1/2 वैल्यू मिल गया क्लियर है बात। अब मैं देखो इसको यहां पे रखना हूं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा में तो ये अलग अलग सेपरेट आप ऐसे रख सकते हो इस चीज को तो जहां जहां हमारे पास है तो ये यहां रखोगे तो ये कितना आएगा इसको मैं 1 माइनस लिख सकता हूं 1 माइनस और ये कितना है 1/2 आएगा और नीचे कितना आएगा ये माइनस ये आ जाएगा ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो मैं जैसे इसको सॉल्व करने वाला हूं तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा देखो लिमिट h टेंड टू 0 जैसे आप इसको माइनस करोगे तो 1 से 1 तो कैट कट गया होगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2h माइनस कितना आएगा 1/2 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर प्लस माइनस डॉट 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 पूरा ये आ जाएगा टोटल के नीचे यहां पे 1 कटेगा तो कितना आएगा 1/3h 1/3 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर प्लस डॉट 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 h पूरे में से आप कॉमन ले लो तो कट गया पूरा का पूरा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना माइनस का 3/2 आएगा। तो देखो मैं इसकी लिमिट को तो मान रहा हूं l1 और इसकी लिमिट मान रहा हूं मैं l2 तो ये तो आ गया मेरे पास l1 l2 का वैल्यू और ये मेरे पास l1 into किसका वैल्यू आ गया l2 का वैल्यू आ गया। अब मैं इसमें लगा दे रहा हूं l1 minus l2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है l1 plus l2 का होल स्क्वायर minus 4l1 l2 तो यहां रखो तो कितना मिलेगा 9/4 minus 4 times 1/2 ठीक है ना। तो ये कितना मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 का मल्टीप्लाई तो ये कितना मिलेगा 9 minus 8 1/4 मिलेगा। तो l1 minus l2 का वैल्यू मुझे मिल गया l1 minus l2 का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस कितना 1/2 प्लस माइनस कितना 1/2 वैल्यू कितना मिल रहा है प्लस माइनस 1/2। तो एक बार मान लो मैंने प्लस ले लिया तो l1 plus l1 minus l2 equal to मान लो 1/2 इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कट जाएगा तो कितना मिला l1 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे यहां से माइनस 1 तो l1 मिल जाएगा मुझे माइनस का 1/2 तो ये मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है माइनस का 1/2 और l1 का वैल्यू मैं जैसे ही इसमें रखूंगा
तो ये घट जाएगा, तो मुझे एल टू का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, एल टू का माइनस वन मिल जाएगा। अब मैं इसको माइनस मान लेता हूं, तो मैं जैसे ही इनको ऐड करूंगा तो एल वन का वैल्यू मुझे यहां से कितना मिलने वाला है, माइनस वन, क्लियर है। और एल वन का वैल्यू जैसे मैं यहां रखूंगा तो एल टू का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, माइनस वन पॉइंट टू। तो ये वैल्यू कितना, यानी कि या फिर मुझे एल टू का वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू और एल वन का वैल्यू मुझे क्या मिल सकता है, माइनस का वन, ठीक है ना। तो हमें कई बार क्या है कि ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि किस तरह का ऑप्शन आपको मैच करा रहा है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्टली इसमें अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी टफ टास्क। तो ऑब्वियसली अल्फा की मान लो इसकी वैल्यू एल वन है, इसकी वैल्यू एल टू है, तो लिमिट एल वन प्लस एल टू का मतलब दोनों की सेपरेट लिमिट हम बता सकते हैं। और ये हमारे पास ऑलरेडी ये फंक्शन दे रखा है, तो डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ऑब्वियसली बात है कि भाई लिमिट मान लो हमारे पास है x into a fx plus gx, तो ये जो भी एक इकट्ठा फंक्शन ही तो रहा होगा, जैसे मान लो कोई इकट्ठा फंक्शन है, तो इसका वैल्यू कुछ जो हमारे पास आया है समथिंग वैल्यू, तो वो क्या आया है असल में, इसका लिमिट मान लो l1 है, इसका लिमिट मान लो l2 है, तो ये l1 plus l2 ही तो आया हुआ है। तो ये कांसेप्ट हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लगा लिया था, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम एक्सटेंशन से करने वाले हैं a और इसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, l का वैल्यू फाइंड करना है तो, और दूसरा हमको फाइंड करना है a का वैल्यू, क्लियर है बात। तो a का वैल्यू और l का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसमें एक्सटेंशन लगा देता हूं सबसे पहले। तो यहां पे जैसे आप एक्सटेंशन लगाओगे, तो यहां पे आपको जैसे एक्सटेंशन लगाओगे तो यहां पे कितना मिलने वाला है, x x, ठीक है, और x और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस का क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल फोर, एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, ये मिल जाएगा। और माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का एक्सटेंशन कितना होगा आपका, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, क्लियर है बात। टोटल के नीचे x टू की पावर 5 नजर आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं और यहां से x कॉमन लोगे टोटल से x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ओवरऑल ऊपर क्या रह गया, तो यहां रह गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 2, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल सिक्स माइनस डॉट 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 इंफिनिटी माइनस ए, ये मैं कॉमन ले चुका हूं इसमें से, क्लियर है, और वो क्यूब काट चुके हैं, तो यहां पे कितना बचा हमारा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस डॉट 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 इंफिनिटी, और अपॉन टोटल में क्या रह गया होगा, एक्स की पावर में थ्री रह गया होगा, सॉरी टू रह गया होगा टू। अभी देखो मैं टर्मों को एडजस्ट कर देता हूं, तो मैं देखो कांस्टेंट कांस्टेंट को एडजस्ट कर देता हूं, तो कितना आएगा, मैं थोड़ा छोटा करता हूं क्वेश्चन को, यहां से कितना आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस a आ जाएगा, यहां से देखोगे आप तो ये आएगा प्लस माइनस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहां माइनस माइनस प्लस कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आएगा आपका, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगा, और यहां से आपको मिलने वाला है माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव मिल जाएगा, एन प्लस सो ऑन ऐसे मिलेंगे। टोटल के नीचे कितना है, एक्स की पावर टू हमारा चल रहा है। देखो ये लिमिट फाइनाइट एडजस्ट करनी चाहिए, तो आप सोचो कि इस लिमिट के फाइनाइट एडजस्ट कराने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर ये पार्ट मेरा हो जाए जीरो, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से आएगा और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू एडजस्ट आपकी कर जाएगी। तो मान लो ये l चल रहा है हमारा, l l लिमिट क्या है, x टेंड टू 0 है ये, तो ये l चल रहा है सपोज करो हमारा, तो मुझे इस लिमिट को एडजस्ट कराने के लिए फाइनाइटली क्या करना चाहिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस a को 0 बना लेना चाहिए। तो यहां से a का वैल्यू कितना मिल गया, 1 अपॉन 2 मिल गया है, ये बात क्लियर हो गई।
यहां से x स्क्वायर कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। तो जो बचेगा हमारे पास उसमें लिमिट लगाओ तो फाइनाइट वैल्यू उनको मिलेगी, तो क्या बचेगा वो देखो आप। तो ये तो हमने जीरो कर लिया, तो उस समय ये a मिल गया, तो ये फाइनली हमारे पास बचा। जैसे ही आपने इसका डिवाइड इसमें किया तो यहां पे कितना आया 1 आ गया, और यहां पे कितना आ गया आपका 1 आ गया, यहां x स्क्वायर आ गया, यहां पे x स्क्वायर आ गया 4, और यहां से x स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया। अब आप जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, आपको क्या मिलने वाला है 1/3 - 1/4 मिल जाएगा ओनली। तो ये कितना होता है 1/6, और ये कितना होता है 1/24 होता है। तो इसको आप जैसे एलसीएम लोगे 24 इसका, तो 6 4 है 24 माइनस 1 तो 3/24 मिलेगा, और ये आपको आंसर कितना मिलेगा 1/8। तो इस फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर a का वैल्यू कितना था 1/2, और जो l का वैल्यू हमें मिला है वो कितना मिला है 1/8। तो a इक्वल टू 1/2 एंड l इक्वल टू 1/8 इज आवर आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन में करेक्शन हो तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर दिया करूंगा। थैंक यू।